हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन प्रिंटर एंड डिजाइनर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट की कैसे बनाएं। दोस्तों कई बार आप काम करते हुए आपको बिट मैप करना पड़ता है, आपको पावर क्लिप करना पड़ता है, तो उसको आप दो तरीके से करते हैं। या तो आप मेन्यू में जाना पड़ता है आपको, मतलब आपका काम बहुत लेट होता है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप पावर क्लिप और बिट मैप या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी आप शॉर्टकट की बना सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों दो शॉर्टकट की मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि पावर क्लिक और बिट मैप। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मैं एक कलर का बॉक्स ले लेता हूँ, आप इसको थोड़ी देर के लिए इमेज समझिए, और एक मैं ये ले लेता हूँ जिसके अंदर आपको पावर क्लिक करना है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि या तो आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद जब पावर क्लिक ऑप्शन होता है उस पर जाते हैं, या आप मेन्यू के अंदर से इसको पावर क्लिक करते हैं। दोस्तों आज मैं सबसे पहले मैं आपको उसके बाद आपको बिट मैप भी ऐसे ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है शॉर्टकट के बनाने के लिए, कंट्रोल जे आपको प्रेस करना है। ये मैं लिखे भी बता रहा हूँ आपको, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कंट्रोल जे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल करके आएगी, आप देख पा रहे हैं। मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, उसके बाद आप इधर की जो ये है साइड में जहाँ कर्सर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ कस्टमाइजेशन पे आना है। उसके बाद इसमें कमांड बार सेकंड नंबर में कमांड्स हैं, कमांड्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद मैं बिट मैप की वो बना रहा हूँ शॉर्टकट की, इधर आपको शॉर्टकट की पर क्लिक करना है और बिट मैप आपको दोस्तों इसके अंदर से सर्च करना है। आप सर्च दो या तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो सबसे ऊपर जो ऑल फाइल का ऑप्शन है आप उसके अंदर जाएँ, बिट मैप सर्च करें बी प्रेस करके। यदि आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है और आपको मेन्यू के अंदर पता है कि कन्वर्ट कहाँ से होता है, तो आप सिंपली क्या करें, इस विंडो को खुली रहने दें और आप बिट मैप के ऊपर जाएं। मैं बिट मैप के मेन्यू पे गया, उसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू बिट मैप पे क्लिक करना है। तो आपको इधर ये चीज़ें अपने आप सर्च हो जाएगी, सर्च होने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि वो चीज़ कहाँ है। सर्च आपको इधर भी करना पड़ेगा, तो जैसे मैं इधर आया वो सी से है, तो आप सी प्रेस करें और कन्वर्ट टू बिट मैप को क्लिक करें। मैंने कन्वर्ट टू बिट मैप को देख लिया है, उसके बाद शॉर्टकट की आपके यहाँ कोई भी जो कीबोर्ड से आप असाइन करना चाहते हो कर लो, मैंने W से असाइन की है, उसके बाद इसको ओके कर दो। तो उसको सिंपली आप करें, W प्रेस करें तो आपका ये कन्वर्ट टू बिट मैप का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको पावर क्लिप की बताने वाला हूँ। दोबारा से मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद कमांड्स में जाइए। कमांड्स के में जा ऑल फाइल्स पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि इसमें आप किसी भी स्पेशल नंबर से इसको की को सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पावर क्लिप के लिए पी प्रेस किया है, पी प्रेस देखें आप, पावर क्लिप फ्रेम टू पावर क्लिप कहाँ पर है वो आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद मेरे को मिल गया, शॉर्टकट की पे क्लिक करें। आपने जिस भी चीज़ से असाइन करनी है, मैंने क्यू से ऑलरेडी असाइन की हुई है, आप ऊपर अगर क्यू प्रेस करेंगे तो ये असाइन हो जाएगा। असाइन पे क्लिक करें, ओके करें। दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, क्यू प्रेस करना और पावर क्लिप कर देना। दोस्तों आपका बहुत काम अब क्या होगा, एक क्लिक के अंदर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों धन्यवाद।